ये उन दिनों की बात है। मैं नैना अग्रवाल इस जिम्मेदारी का ईमानदारी से पालन करूंगी। मैं प्रगति विद्या का मंदिर की गरिमा बनाए रखूंगी। क्या करूं क्या ना करूं की सोच में मेरा दिल डबल स्पीड में धड़क के ओवर टाइम कर रहा था। एक तरफ समीर की ताकती हुई आंखें और दूसरी ओर प्रिंसिपल की तेज नजरें, और फिर बचपन से ही हम गुरुदेव और गुरु ब्रह्मा वाली प्रार्थना इतनी बार कर चुके थे कि टीचर्स के सामने झूठ बोलना हमारे लिए पाप था। हाँ सर, मैंने देखा था, समीर ने पंकज को मारा था। तुम लोग जा सकते हो, मुझे समीर से अकेले में कुछ बात करनी है। समीर को कैसे समझाती कि उस वक्त समीर से ज्यादा मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। देखो समीर, तुम्हारे नाना जयप्रकाश जी की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं इस स्कूल की इज्जत करता हूँ। मैं स्कूल के अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता हूँ। तुमने पहले ही दिन झूठ बोला है, इसीलिए मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हारा एडमिशन रद्द करता हूँ। तुम जा सकते हो। कितनी देर लगा दी। क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों दही बड़े की तरह पचक गया है? प्रीति, 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 क्या? प्रीति, आओ। मेरा जूता फंस गया, प्लीज देखना। एक मिनट रुक। Excuse me. मैंने समीर की शिकायत की थी और समीर उल्टा मेरी ही मदद कर रहा था। जूते से ज्यादा उस वक्त मेरी अंतरात्मा फंसी हुई थी धर्म संकट में। समीर, तूने नैना की मदद की? कोई भी लड़की होती तो करता। जूतों के चक्कर में आज जूते खाने पड़ेंगे। सेल से पूरे 50% डिस्काउंट में खरीदे थे। एक मिनट, अर्जुन भैया और पापा आ गए क्या? अर्जुन भैया, भैया कहाँ हो आप? नैना, एकदम बढ़िया। मैं तब से तुम ही लोगों का इंतजार कर रहा था। क्यों? अरे बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है तुम्हें। तुम्हें पता है मैन ऑफ द मैच मिला है मुझे दिल्ली में। हाँ, और आपकी बहन भी कोई कम नहीं है। यस, पूरे स्कूल में मुझे ही हेड डिसिप्लिन मॉनिटर बनाया है, ये देखो। अरे वाह, क्या बात है नैना, आज तो डबल खुशी का मौका है। पापा बहुत खुश होंगे ना? पापा और खुश, तुझे पता तो है पापा का, वो तो हिमालय भी जाएंगे ना तो वहां पर भी पंखा नहीं है ये कहकर झगड़ा कर ले। आती उनकी वजह से चाचा चाची घर में। भगवान झूठ ना बुलाए, इतना अच्छा लड़का तो 16 सोमवार के व्रत रखने के बाद भी नहीं मिलता। और यहाँ यहाँ तो लड़का मिल भी गया था और हाथों में मेहंदी लगने वाली थी पर हाथ से चटक गया। पूजा, तेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब पूजा का भी क्या दोष,
भाई साहब की कड़वी जुबान ने मुंह से निवाला छीन लिया। कहते हैं बुजुर्गों के आशीर्वाद से बच्चों के बिगड़े काम सवर जाते हैं, और यहाँ यहाँ तो सगे ताओ के कारण हमारी बेटी का बना बनाया काम बिगड़ गया। भगवान झूठ ना बुलाए, ना जाने कहाँ कहाँ से प्रकट होकर किसी भी अनजाने से झगड़ा कर लेते हैं। सारी बातें सुन रहे होंगे पर अब आएंगे थोड़ी। बस भी करो तुम। अरे मैं क्यों चुप रहूं? भाई साहब के झगड़ालू बर्ताव के कारण हमारी बेटी का रिश्ता तो टूट गया ना। शांत रहो तुम, कुछ भी बोली जा रही हो। हाँ हाँ मैं तो चुप ही हूँ, ऐसे भी इस घर में मेरा सुनता कौन, सबको अपनी मनमानी करनी है। पापा जीती रहो। हाँ हाँ जीती रहो, और इस घर में रह के सबका खून पीती रहो, क्योंकि भाई साहब के रहते तो उनकी बेटी बिहाने से रही, अब तो ऐसा लगता है हमारी बेटियां भी बिन बियाहे घर ही में बैठी रह जाएंगी। अरे मम्मी बस करो। हाँ चुपचाप तो मुंह बंद करो अपना। अरे आप मुंह बंद करने का क्या मतलब, जितना मुंह खोलना था वो तो खोल ही लिया इसने, जो सुनाना था वो तो सुना ही दिया इन्होंने। और हाँ तुम मुझे ताने दे रही हो ना तो सुन लो, गलती अकेली मेरी नहीं थी, ताली दोनों हाथों से बजती है। भाई साहब चुटकी तो एक हाथ से बजती है ना। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है एक चुटकी में बाजी समझ जाती, अगर ताली दोनों हाथ से बजती है तो दोनों हाथ जोड़ के माफी भी मांगी जा सकती थी, एक चुटकी में बाजी समझ जाती, पर नहीं यहाँ तो सबको अपनी मनमानी करनी है। मतलब मैं माफी मांगू, मैं माफी मांगू। अच्छा वो इसलिए ना क्योंकि मैं अपने दोनों भाइयों से कम कमाता हूँ, और इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर रख करके आप लोग एहसान कर रहे हैं, है ना? ये गलत है भाई साहब, एक तो गलती करना, ऊपर से हमें दबाने के लिए बात को इधर उधर घुमा देना। देखो मेरी बात सुनो। अरे सुन लिया और समझ भी लिया आनंद, आज हमें इस बात की माफी मांगनी पड़ रही है और कल इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर सांस ले रहे हैं। मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ भैया। हाँ जाइए ना भाई साहब, कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं आप, आपको रोक कौन रहा है? जब जाना नहीं है ना भाई साहब तो झूठ मूठ का दिलासा मत दिया करिए। देखिए ना दिल की बात जबान पे आ गई इसका। अरे आनंद तुम्हारी बीवी के मन में जो मन आ रहा है मुझे सुनाते जा रही है और तुम हाथ बांध के खड़े हो। अरे छुप जाओ उसके पल्लू में चोर के गुलाम कहीं के, पर मैं नहीं सह सकता अभी सब, बहुत बर्दाश्त कर लिया औरत का थ्रिया चाहिए। भाई साहब मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, अब एक पल भी नहीं रुकूंगा यहाँ। भैया मेरी बात तो सुनिए। आनंद बाबू बस इससे ज्यादा एहसान नहीं सहा जाता, मत करिए। और यहाँ क्या कर रहे हैं आप, जाइए जाके अपने जोरू की गुलामी करिए। तू क्यों डर रही है, पता तो है तुझे भी कि हर बार कहते हैं लेकिन जाते कहीं नहीं। और तुम दोनों क्यों खड़ी हो, खाना नहीं खाना? वहां तो कुछ बोलते बना पड़ना है, यहाँ चले आए पीछे पीछे। आप नहीं रहेंगे तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना, भाड़ में जाइए क्रिकेट की कोचिंग और स्कूल वगैरह। क्या कहा, तू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा, तू अपनी क्रिकेट कोचिंग छोड़ देगा? अरे 20 टर्म में किस स्कूल में एडमिशन मिलेगा तुझे, किस क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन मिलेगा तुझे? नहीं नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, तू अपनी पढ़ाई लिखाई और क्रिकेट नहीं छोड़ सकता ऐसे। पापा आप यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूंगा? जी लूंगा मैं, मेरा बेटा मेरा गुरूर है और मैं अपने गुरूर के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूं, सह लूंगा आप लोग के जख्म। कान खोल के सुन लो सब, मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से इस घर में रुक रहा हूं, मुझे यहां रहने की पड़ी नहीं है। और हाँ मुझे किसी की मेहरबानी भी नहीं चाहिए, सर पे छत और मुंह में निवाला इस राकेश अग्रवाल को कहीं भी मिल सकता है, समझे? ताना ढनियाई है बहुत। बात का बतंगड़े बनाने की क्या जरूरत थी वहां पे, ये सब तमाशा क्यों किया? हमारे यहाँ का ड्रामा तो किसी तरह खत्म हुआ, पर समीर के घर में तो अभी शुरू होने वाला था। हर वक्त खेल कूद और मस्ती लगी रहती है,
और कुछ तो तुम्हें सूझता ही नहीं। मैंने तुम्हें लेटर दिया था सेंट जेवियर्स के लिए और तुम हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन ले आए। कहा कि मेरी हिंदी ठीक हो जाएगी और वहां ठीक से दो दिन में ही टिक पाया। बेटा इस तरह तो सारी स्कूलें खत्म हो जाएंगी, साल भी, मगर 11th खत्म नहीं होगा। क्या जरूरत थी इस तरह से मारपीट करने की? अब क्या जवाब दूंगा मैं तेरी माँ को, क्या कहूंगा उससे? नाना जी वो लड़के सही नहीं थे, कितना कुछ बोल रहे थे। समीर ने बहुत कंट्रोल किया, बहुत संभाला खुद को, पर वो लड़के बोले ही जा रहे थे। फिर उन लफंगों ने माँ की बुराई शुरू की कि बस समीर का हाथ चल गया। नाना जी ना स्कूल में दिमाग चलना चाहिए, हाथ नहीं। चलो मैं भी आज तुम्हारे साथ कैरम खेलता हूं, एक एक गेम हो जाए। चलो लगा, हाँ पहले मेरी बारी। आजा भाई तेरी बारी। तू कुछ ठीक से खेल नहीं रहा समीर। बेटा तू तो मेरा शेर है, फिक्र मत कर, मैं किसी अच्छे स्कूल में तेरी एडमिशन करवा दूंगा। ओके आप क्यों बच्चों जैसे रूठ जाते हैं? बच्चों वाली हरकतें तो मेरी है ना। माना कि भैया के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, पर कर लिया। दिल में जो भड़ास थी निकाल दी, अब निकाल दी तो निकाल दी ना। वैसे तूने आज सुबह प्रिंसिपल से किसी की शिकायत की थी? तुझे कैसे पता? पूरे स्कूल को पता है, शायद उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया। नैना, ये तुम्हारे बैच पे क्या लिखा है दिखाओ। हेड डिसिप्लिन मॉनिटर, वेरी गुड कंपनी। जी शाबाश। और तुम्हारे शूज कैसे फट गए? वो चाचा जी साइकिल में अपने आप फंस गए, मैंने कुछ भी नहीं किया था। अब 2 साल पुराने जूते हैं, फटेंगे नहीं तो क्या फूल खिलेंगे? मैं तो कब से सोच रही थी इसको नए जूते दिला दूं। आज ही मार्केट चलते हैं नए जूते लेने, नहीं तो क्या क्लास की मॉनिटर फटे जूते में स्कूल जाएगी? चाची के गुस्से का पारा फट से चढ़ता और झट से उतरता। वो बेचारी कोई राज पेट में और कोई बात मन में ज्यादा देर नहीं रख सकती थी। वो अपने बर्ताव के लिए चाचा जी से माफी मांगना चाहती थी और चाचा जी की लाडली नैना को प्यार से जूते दिलाकर उन्हें इंस्टेंट माफी मिल गई और मेरी भी लॉटरी लग गई। पर अकेले होते ही समीर का ख्याल नंगे पैरों में कांटे की तरह चुभने लगा। क्या सचमुच मेरी वजह से ही उसका एडमिशन कैंसिल हो गया? अच्छा सुन, हम नैना के लिए नए जूते लेने जा रहे हैं, खाना बना के रखना ठीक है? पर मम्मी सुबह भी मैंने ही बनाया था। तो सुबह खाया भी था ना? अरे दिन में 2 बार खाना बनाएगी तभी तो प्रैक्टिस होगी, नहीं तो ससुराल में जाके क्या कहेगी, मैंने सुबह खाना बनाया था शाम को नहीं बनाऊंगी, ये कहेगी जाकर वहाँ। बता। पर मम्मी बना देना चुपचाप ठीक है? पापा ने जूते के लिए पैसे दिए हैं। हाँ ठीक तू चल साथ में। अरे नैना बैठी क्यों है, देर हो रही है। उन दिनों बाजार जाना भी छुट्टी जैसा होता था जिसके लिए इंतजार किया जाए। हमारे मार्केट जाने की खबर ताई जी सूंघ लेती थी और किसी भी तरह बहाना बनाकर हमारे साथ हो लेती थी। बेचारी चाची कैसे ना करती। बेला ये पूरी बारात लेके कहाँ जा रही है? भाभी जी वो नैना के लिए नए जूते लेने जा रहे हैं। चल फिर मैं भी चलती हूँ जूता लेने। आप भी जूता पहनेंगी? दिमाग खराब हो गया है? मैं नहीं पहनूंगी, नैना पहनेगी। चलो देर हो रही है आ जाओ। हाँ चलो चलो। अरे जूते खरीद रही हो कि जेवर खरीद रही हो? एक हमारा जमाना था। ये लीजिए। नैना तुझे नए जूते मिल रहे हैं और तू खुश नहीं है? नहीं खुश हूँ ना, बहुत खुश हूँ। खुश कैसे होती, समीर की शिकायत का ख्याल खुश होने ही नहीं दे रहा था। अरे ये देख वीणा है ना हमारी। अरे वीणा बहन तमें या
आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी भतीजी के लिए जूते लेने आई हूँ। हाँ, अब बच्चों की जरूरत सबसे पहले, बाकी सब बाद में। अब आपसे क्या छिपाऊं? आपको तो सब पता ही है, नैना का मेरे सिवा और है ही कौन। सब कुछ मैं ही करती हूँ उसका। जब से इसकी माँ गुजरी है, मैं ही इसकी माँ हूँ। इसका खाना पीना, कपड़ा लगता, पढ़ाई लिखाई सब मैं ही करती हूँ। वैसे सच कहूँ, चंदन की तरह घिस जाने में आनंद ही कुछ और मिलता है। फिटिंग तो सही आ रही है ना? हो गए ना फिट एंड फिट जूते? हाँ तो ले लेना फिर, सारी दुकान पहन के देखेगी क्या? ए छोटू, ये जूते पैक कर चल। 40 रुपए। हाय भाभी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, हड़बड़ाहट में पैसे लेना भूल गई। वैसे आपके रहते मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, है ना भाभी जी? आज तक आपने नैना के लिए क्या कुछ नहीं किया है, अब आपको कौन मना कर सकता है ना? सही कहा आपने, आपके जैसी दुनिया में बचा कौन है? चंदन है, चंदन घिस के सबको खुशबू देती है। वैसे भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, चप्पल तो मेरी भी घिस गई है, मैं एक ले लूं? आपको पता है बहन जी, हमारी भाभी जी का दिल बहुत बड़ा है, सबका ध्यान रखती है वो, और हाँ किसी चीज के लिए कभी ना नहीं बोलती, है ना भाभी जी? छोटू, वो जो मैंने चप्पल देके देना, उसे भी पैक कर दे। जी बहन जी, अभी करता हूँ। नैना, देखा मेरी माँ ने कैसे ताई जी को उल्लू बनाकर उनसे पैसे खर्च करवा लिए, और ताई जी तो देख तिल मिला रही है। खैर तिल मिलाने दे, तू चिंता मत कर। कितना हुआ? 90 रुपए। दो जोड़ी जूते के 90 रुपए? महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। इसे पैक कर दो। ओके सर। अरे क्या चेक कर रहे हो, सोना नहीं बेच रहे हो, जूते ही है। और थैली में तो डाल दो इसको। कितना हुआ? 90 रुपए। लड़की के जूते? अंकल ये हमारे जूते नहीं है। बेटा ये दूसरे कस्टमर के हैं, यही होंगे अभी। चल मुन्ना देखते हैं। चल चल चल। अगर आज जूता नहीं मिला ना तो समझ लेना कल से नंगे पैर स्कूल भेजूंगी, फिर देखती हूँ कौन क्या दिलवाता है। रोने लगी है ना तू, जा ले क्या जूता। अरे बहन जी आप झगड़ा क्यों कर रही हैं, आपके जूते मिल गए, वो लड़का है ना उसके बक्से से बदल गए थे। तो ये था मेरी लव स्टोरी का पहला अध्याय, जूता चैप्टर पार्ट 1। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।